नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खंडवा के हजरत खानसावली क्षेत्र निवासी मोहम्मद इस्माइल खत्री नद्दा सेठ के विरुद्ध मोहम्मद इरफान यूसुफ जी नामक एक व्यक्ति ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत कर प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। उक्त मामले में अब मोहम्मद इस्माइल खत्री नद्दा सेठ ने भी थाना मोघट रोड पुलिस से लिखित शिकायत की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपने ऊपर लगे धोखाधड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नद्दा सेठ ने शिकायतकर्ता मोहम्मद इरफान खत्री के विरुद्ध झूठी शिकायत के आरोप भी लगाए हैं। खबर में देखिए मोहम्मद इस्माइल खत्री नद्दा सेठ ने क्या कहा। हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल मौजूद है, जिनके ऊपर प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, जिसकी शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक की गई है। तो हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इस्माइल नद्दा सेठ जी। अभी जो तीन चार रोज पहले इरफान भाई ने जो शिकायत की है मेरे खिलाफ, तो वो सरासर गलत है। हाँ। मसला ये है कि मैं दलाली भी करता हूँ, प्लाट लेन देन भी करता हूँ, है ना। मेरे से इरफान भाई ने प्लाट लिए थे, और भी 10-15 लोगों ने प्लाट लिए थे, और मैंने लतीफ बरूड़ी से प्लाट लिए थे। अच्छा। लतीफ बरूड़ी नसरुद्दीन, इसकी कॉलोनी कटी हुई है कब्रस्तान के पास। अच्छा। तो उससे प्लाट मैं लेता था, खतरियों को बेचता था। तो उसने क्या करा, अभी 1.5 साल पहले मेरे 10-15 प्लाट लिए हुए थे और खतरियों को बेचे हुए थे जी, है ना। तो उसने 10-15 दिन 1.5 साल पहले एकदम से हाथ ऊंचे कर दिए कि मैंने जो तुमको प्लाट बेचे हैं वो सब फर्जी थे, मैंने वो प्लाट की रजिस्ट्री कर चुका हूँ लोगों को। तो फिर सब खतरियों ने मिल के 10-15 जन जो थे, सब ने मिल के उसको मेरे घर 10 बार मीटिंग हुई, भाई तू हमको प्लाट रजिस्ट्री करके दे या तो पैसे दे। तो बोले मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर उसको 5-7-10 दिन तक उसको मीटिंग करते रहे, और उसके उसकी जो है टावर में जमीन थी, उसमें तीन पार्टनर थे, उसमें एक पार्टनर ये भी था 3.5 एकड़ जमीन में। तो उसको बोला भाई तू तेरा शेयर जो है हमको लिख के दे दे। तो उसमें जो है सब लोग राजी हो गए, अपन इसकी जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। फिर हमने बोला किसके नाम करवाना है, तुम लोग करवा लो किसी के भी नाम। तो बोले नहीं तुम्हारे ही नाम करवाओ, है ना। तो उससे जो है और पैसे दिए उसको थोड़े बहुत, और उससे वो जमीन मेरे नाम पे करवा ली। अब मेरे नाम पे करवा ली है, अब जब वो बिकेगी जमीन तो मैं सबको पैसे दूंगा, है ना। तो अब इसमें क्या है, मोहम्मद इरफान यूसुफ जी ये क्या है, इनके भी 3.5 लाख रुपए देना है। तो ये जो है आते बार बार कि मेरे को लिख के दो, इनको लिख के दे दिया, है ना। भाई जब जावर की जमीन बिकेगी तो आपको आपके पैसे लौटा देंगे, इनको लिख के दे दिया। तो ये जो है 4 मैंने पहले लिख के दिया, उसके दूसरे दिन वो आया कि मेरे को 50,000 होना, अब भी होना मिल रहा, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। दूसरे रोज उसकी साली को लेके आ गया, उसकी साली का नाम है अज्जानी शरीफा भी, है ना। उसको लेके आ गया और वो बहुत चिल्ला चोट करे, मेरे को तो पैसा होना नहीं तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे को अभी जानते नहीं हो तुम। तो वो गई मोघट थाने में गई, वहां पर मेरे को TI साहब ने बुलाया, मैं ये लेके गया कि साहब मैंने जो है जावर की जमीन में इसका पैसा डला हुआ है, जब बिकेगी जब दूंगा। TI साहब ने देखा और फिर उनको भगा दिया जी। फिर अभी जो है 8 रोज पहले वो आए, और तो मैं तो घर था नहीं, याकूब मामा और ये 5-7 लोग बैठे हुए थे यहाँ पर। तो उनको बोल के गई बुलाओ उनको, मैं तो पैसा वसूल कर, नहीं तो मैं जा रही हूँ SP ऑफिस, कलेक्टर में जाऊंगी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उनको तो फंसाऊंगी, है ना जी। तो फिर मैं बाद में आया तो बताया कि भाई वो आई थी अज्जानी, और वो बहुत फिर बाद में जो है वो जो है SP ऑफिस पहुंच गई। SP ऑफिस, मेरा आपसे सवाल है। हाँ। हमने जो शिकायत करी है। हाँ। तो आपने जो अपना पक्ष जो है आपका। हाँ। इस संबंध में आपने भी क्या कोई आवेदन दिया है। हाँ, मैंने भी फिर जो है परसों मोघट थाने में जो है मैं ये देख के आया हूँ जी कि भाई ये जो है बार बार आके डराते धमकाते हैं, और वो उसकी साली को लेके आता है, जबकि उसका कोई मैटर नहीं है। अच्छा। पैसा देना है इरफान को, है ना। अब वो उसकी साली शरीफा भी हज्जानी को लेके आता है, और वो लेडीज है। अब वो लेडीज बोलती है मैं तो सब वसूल कर लूंगी, मेरी बहुत पहुंच है, बोले मेरी पहुंच का तुम जानते नहीं हो, बोले ठीक है तुमसे जो बने भाई करो, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, जमीन बिकेगी जब दूंगा, मैं देने का इनकार नहीं कर रहा हूँ। और भी 8-10 लोगों के मेरे भाइयों के भी प्लाट है उसमें, सबको देना है, ठीक है, पैसा देने से इनकार नहीं है, बाकी जमीन बिकेगी जब ही होगा जी। जी। हमारे इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।